देश का रक्षक ही भक्षक का शिकार, पुलिस को 25,000 ना देना सेना नायक को बड़ा भारी। आइए हमारे संवाददाता रामानंद चतुर्वेदी की तरफ ले चलते हैं और खबरों का रूबरू कराते हैं। हेलो हर्षन। हाँ बताइए सर, मैं नायक राधारमन बोल रहा हूँ सर, सियाचिन से सर। जी सर, मेरे माता पिता सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रेणु सागर कोलगेट पर रहते हैं। अच्छा अच्छा। और वहाँ के काफी दिनों से वहाँ की प्रशासन परेशान कर रही थी, लगभग 2 साल से। जी। और इसकी शिकायत मैंने एसपी साहब को भी बताया था। मेरा जब घर बन रहा था तो चौकी इंचार्ज राजेश महोदय ने हमसे 25,000 रुपया का डिमांड किया। जी साहब। फिर मैंने एसपी साहब राजीव साहब से बात करके घर बना लिया। मेरे पापा बहुत स्वीप टाइप के हैं, सिपाही बब्बन को 5,000 रुपया दिए थे। जी। इससे वर्तमान सिपाही उपेंद्र तिवारी और गोरखनाथ यादव को संतुष्टि नहीं हुई। जी। बिना वारंट बिना एप्लीकेशन के मेरे घर में रात को तीन बार छापा मारा। अच्छा। तो आप बताइए, हम यहाँ रात में माइनस 50 तक टेम्परेचर जाता है, अभी -20 तक आ जाता है, और मैं देश के लिए सेवा कर रहा हूँ, मेरे घर में कुछ चंद रुपयों के लिए बताइए छापा मारा जा रहा है, बोला हम किसी इसी तरह परेशान करते रहेंगे। यह घटना कहाँ की है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा, थाना कौन सा है? अंतरा थाना है। अच्छा, अंतरा। वहाँ पे आपकी सुनवाई हो नहीं रही है? नहीं हो रही, तभी नहीं हुई तभी तो मैं मीडिया का सहारा ले रही हूँ, क्योंकि मैं एसपी साहब को इसी 1 तारीख को फोन भी किया। 28 तारीख को मेरे घर में चोरी हुई। ओके। 29 तारीख को मैं चौकी इंचार्ज को बताया कि एप्लीकेशन दिया कि मेरे घर में चोरी हो गई है। जी। और चौकी से 2 सिपाही हमारे घर में आए, पूरे घर की हालात देखे। ओके। हालात देखने के बाद भी कहे तो FIR दर्ज नहीं किए, उन्होंने FIR दर्ज करने से मना किया। तब मैंने SO अंतरा को बताया। ठीक है, ऐसा है कि आपका वीडियो, आपने जो वीडियो भेजा है वो वीडियो हमारे पास आ गया है, और आपने लिखित में भी थाने में दिया हुआ था तहरीर ना? हाँ, लिखित का ओके तो अभी मैं भेजू, थाने में दिया हूँ, SP को दिया हूँ, डेट वाइज दिया हूँ। मैं 5 तारीख को SP साहब को पूरे स्थिति बताया अंतरा और रेणु सागर में कितने लोग क्या क्या करते हैं, 6 चोरों का नाम और 1 सरगना का भी नाम बताया, टप्पू विश्वकर्मा। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो FIR लिखा गया। तब जाके मैं 6 तारीख को IG बनारस को बताया, पूरी स्थिति बताई, फोन से भी बात किया, तब भी FIR नहीं लिखा गया। तब जाके मैं DGP साहब को लखनऊ 7 तारीख को बताया। फिर मैंने 22 तारीख को भी बताया DGP साहब को कि साहब ऐसी घटना घटी आपके कहने पे, तो FIR लिख गया, लेकिन उल्टे मुझे धमकी मिल रही कि तुमने ऊपर अधिकारी को बताया, हम तुमको जीना मुश्किल कर देंगे। मामला हर अधिकारी की नजर में है, हर अधिकारी के संज्ञान में है, फिर भी आपके साथ अन्याय हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं IG बनारस को मैं 3 बार कॉल किया हूँ, और मैं डेट वाइज सर बता सकता हूँ कि उनके व्हाट्सएप पे कब कब मैंने एप्लीकेशन भेजा, कॉल भी किया है। DSP पिपरी को मैंने कॉल किया है, बताया है, SP साहब की भी रिकॉर्डिंग है, SP साहब को से मैंने इतने नम्र निवेदन में बात किया कि साहब आप मेरे SP हो, आप मेरे कप्तान हो, आप मुझे न्याय नहीं दिलाओगे तो कौन दिलाएगा। तो उनका वर्डिंग ये है कि मैं तुम्हारा ही नहीं हूँ, मैं सबका कप्तान हूँ, और तुम्हारे हमारे में फर्क है, नहीं तो हम भी सियाचिन बॉर्डर में ड्यूटी देते, हम यहाँ पे आज SP बन के नहीं बैठे होते। अच्छा, संतोष जगह ठीक है भाई, आप उस लायक हो, लेकिन करवाई जो जमीनी हकीकत तो कुछ हमें नहीं परिणाम मिला। और किसी चैनल से आपकी बात हुई है? और किसी चैनल से आपकी बात हुई है? नहीं सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने हमारे चैनल में फोन किया, हमें इस आपके ऊपर क्या बीत रही आपने हमें बताया, उसके लिए धन्यवाद। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपको न्याय दिलाने के लिए। मैं भी एक बता रहा हूँ, मैं देश का एक तक हूँ, मुझे एक करना शोभा नहीं देता, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मेरे घर वालों से आज से 4 महीना तक 20 सितंबर तक बात नहीं हो पाएगी, मैं ऐसे जगह जा रहा हूँ। ओके ओके, तो मेरे माँ बाप की जिम्मेवारी आप लोगों के हाथ में, इसलिए मैं सूचित किया। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम और हमारा चैनल आपके साथ है, देश के किसी भी जवान के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।
ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, हम इस खबर को चलाते हैं, फिर जैसा रहेगा हम आपको सूचित करेंगे। ठीक सर, ओके, जय हिंद। उत्तर प्रदेश प्रशासन से परेशान होकर मैं ये वीडियो लास्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं, मैं पोस्ट पे चढ़ने वाला हूँ, अगले 10 दिन बाद मैं पोस्ट पे चढ़ जाऊँगा, मेरा कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, ना तो मैं अपने घर वालों का हालचाल ले पाऊँगा, ना तो अपना दे पाऊँगा। और इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरे घर में 28 तारीख को चोरी हुई और 7 तारीख तक कोई FIR नहीं लिखा गया, तब जाके मैंने DGP को बताया, FIR लिखा गया लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टे मुझे फंसाया जा रहा है कि तुमने DGP को क्यों बताया। मेरे भाई के खिलाफ बहुत सारे साजिश में रचे जा रहे हैं, जो कि वो दिल्ली में सर्विस कर रहा है। अनायास मेरे पिताजी को 4 दिन बैठाया गया था थाना पे, जो कि एक SO के कार्यरत क्षेत्र से बाहर है, 4 दिन बैठाए गए। मेरी माँ को कैंसर हुआ है, वो गए तो उनको मिलने भी नहीं दिया गया, और 4 दिन तक मेरे पिताजी को ना तो खाना थाने से मिला और ना ही तो पानी मिला। किस सजा में लागू है कि थाना खाना पानी नहीं मिलेगा। इस वजह से डर के वो गांव चले गए, सर का घर छोड़ के। 28 तारीख को चोरी हुई, इसके बाद भी वो प्रशासन से इतने डरे हुए हैं कि देखने तक नहीं आ रहे कि मेरे घर में क्या हुआ। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि जब हम लोग यहाँ पे सियाचिन पे चढ़ते हैं तो हम लोग के डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करवा लिया जाता है। ऐसे वीर सैनिक जो कि जानता है कि मैं जा रहा हूँ तो जीवित आऊँगा या नहीं आऊँगा, उसके माँ बाप रोड पे घूम रहे हैं और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के DG साहब को मैं 3 बार लिखित में अप्लीकेशन दिया, 7 तारीख को, 23 मई को, अगले 4 तारीख को, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। चौकी इंचार्ज मेरे परिवार और मेरे भाई के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, ना कि चोरों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि मेरे भाई का 2 साल का पुराना नंबर ढूंढा जा रहा है उसको फंसाने के लिए। मैं SP सोनभद्र को 5 तारीख को लिखित में 5 चोरों का नाम दिया, इसके बाद भी ना तो चोर पकड़े गए ना तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। तो मेरे साथ अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो ये देशवासी मेरे 100 के साथ करोड़ों का फूल माला मेरे रास्ते पे चढ़ा देते। आज मैं जीवित हूँ तो अपने माँ अपनी जिंदगी और अपने माँ बाप की जिंदगी का भीख मांग रहा हूँ। तो इस वजह से मेरा एक ही उम्मीद अब बचे हैं, मुख्यमंत्री जी शायद वहाँ तक मेरी बात पहुँचे तो मेरे इन FIR का कुछ निष्कर्ष निकले और मुझे न्याय मिले। तो इसको इतना शेयर करिए कि ताकि उन तक पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे देशवासियों, मैं नायकराज हरमन राय सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ। मेरे माँ बाप रेणु सागर कोलगेट डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में रहते हैं। मैं अनपरा थाना रेणु सागर चौकी से 2 साल से परेशान हूँ, इस वजह से मजबूरी में वीडियो बना रहा हूँ। 2 साल पहले मैं जब घर बनवाने की कोशिश किया तो रेणु सागर चौकी इंचार्ज राजेश मौर्याने ने 25,000 रुपये का डिमांड किया। तब मेरे पापा ने सिपाही बब्बन को 5,000 रुपया दे दिया, फिर भी ये लोग परेशान करते रहे। मेरे घर में सिपाही गोरखनाथ यादव रात को 3 बार छापा मारे हैं बिना वजह के। जो जवान माइनर डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन बॉर्डर पे रात को ड्यूटी दे रहा है, उसके माँ बाप खुद के घर में सुरक्षित नहीं है। बिना वजह के मेरे पापा को सिपाही गोरखनाथ यादव ने अनपरा थाने में 4 दिन तक रखा, बिना खाए बिना पिए। किस सजा में खाना पानी नहीं मिलता है। मेरे माँ को कैंसर हुआ है, इसके बाद भी वो 4 दिन तक अनपरा थाने में गई और अनपरा थाने के SO ने वहाँ से भगा दिया। मेरे पापा 2 दिसंबर को रिमसागर पावर प्लांट से गिर गए, गिरने की वजह से उनकी पैर की चक्री और पजरी की 5 हड्डियाँ टूट गई। माँ दवा भी लेके गई पापा का, फिर भी अनपरा SO ने देने से मना कर दिया। इसी से वो लोग डर के गाँव चले गए और रेणु सागर का घर छोड़ दिए। 28 अप्रैल को हमारे घर में चोरी हो जाती है, 29 अप्रैल को रेणु सागर चौकी इंचार्ज को बताया, उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में उसे पता है कि कोई दूर का चोर पूरा घर खाली नहीं कर सकता, बगल का ही होगा जो कि टप्पू विश्वकर्मा है। और टप्पू विश्वकर्मा के पास सिपाही गोरखनाथ अपने पूरे टीम के साथ वहाँ पर बैठते उठते हैं,
दारू खाते पीते हैं, इसके साथ वो चोरों का सरगना है, जितनी चोरी होती है सबका कमीशन गोरख यादव का देते हैं। मेरी FIR 5 मई तक नहीं लिखा गया तो मैंने SP साहब को सारी बातें बताई और एप्लीकेशन भेजा। 6 मई को मैंने IG को पास फोन किया, बात किया और एप्लीकेशन भेजा। 7 मई DGP को से बात किया और एप्लीकेशन भेजा, तब जाके FIR लिखा गया। FIR तो लिख लिया गया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, बल्कि मेरे परिवार को और मेरे भाई को फंसाने की कोशिश रेणुसागर चौकी इंचार्ज सिपाही गोरखनाथ यादव मेरे भाई के पीछे पड़े हुए हैं। 2 साल से हमसे जितने लोग जुड़े हैं मुझसे मिल रहे हैं, 2 साल पुराना नंबर मांग रहे हैं और उसके करेक्टर का पता कर रहे हैं कि कैसे इसको फंसाया जाए। अगर सिपाही गोरखनाथ यादव की 2 साल का मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखा जाए और अनपरा थाने रेणुसागर चौकी में जितने मामले दर्ज हैं उन सबका नंबर मिलाया जाए तो सिपाही गोरखनाथ यादव का संबंध 75% लोगों से है, क्योंकि ये सबसे कमीशन लेते हैं और सारे कार्रवाई की गतिविधि इनको पता होता है। मैं प्रशासन के खिलाफ आज तक ले कोई नहीं बोला, मैं भी नहीं बोलता अगर सिर्फ सामान चोरी होती, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी की बात है। पहला उसे गलत फंसाया जा रहा है, दूसरा उसका हाई स्कूल इंटर ITI अप्रेंटिस का सारा डॉक्यूमेंट चोरी हुई है और मेरे पापा का सारा डॉक्यूमेंट, घर का पेपर, गाड़ी का पेपर, PF फंड का पेपर सारा चोरी हुई है। इस वजह से मैं मजबूर होके ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस देश के लिए जब हम लोग यहाँ पे सियाचिन में आते हैं, सियाचिन से जब पोस्टों पे चढ़ने का मौका मिलता है तो वॉलंटियर आना होता है और हम अपने डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करके आते हैं। यहाँ की टेम्परेचर माइनस होती है और हम जानते हैं कि सही सलामत आएंगे या नहीं आएंगे। इस हालत में मेरे माँ बाप को डर डर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जो कि उसका बेटा इस देश के लिए शहीद होने गया है, उसे पता है कि 6 माह में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, फिर भी वो उसके माँ बाप को सकून से प्रशासन नहीं जीने दे रही है। मैं अगले 3 दिन बाद पोस्ट पर चढ़ जाऊंगा, मेरा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, मैं ना तो अपनी समाचार अपने माँ बाप को दे पाऊंगा ना तो उनसे ले पाऊंगा। अतः हमारे प्यारे देशवासियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच सके और मुझे इस सारी बातों पे एक निष्पक्ष जांच हो और मुझे न्याय मिले। अब मेरे माँ बाप आप सबके हाथों में है, इनकी सुरक्षा आप सबके हाथों में है। अगर मेरे बाप माँ बाप के साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेवार उत्तर प्रदेश प्रशासन होगी, क्योंकि हमने चैनल वाई चैनल सबको बता दिया है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये वीडियो पहुंचे। बस मैं यही अनुरोध करता हूं। जय हिंद, जय भारत।